हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। फैजाबाद धरना खत्म ना कराने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। लोगों ने कुरान पाक पर अमल करना छोड़ दिया। क्या अदालतें बंद हो गई हैं? कल कोई और मसला होगा तो फिर शहर बंद हो जाएगा। एजेंसियों पर इतना पैसा खर्च करते हैं, बताएं उनका किरदार क्या है? जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, माशरे और जहन को डंडे से बदल नहीं सकते। अटॉर्नी जनरल का जवाब, इस्लाम अम से फैला, डंडे से नहीं। इस्लाम के खिलाफ बात पर खामोश नहीं रहना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। फैजाबाद धरने पर सुप्रीम कोर्ट में समात। अना और तकबर सबसे बड़ा गुनाह है। अपनी शोहरत के लिए सब हो रहा है, इस्लाम में ऐसा कहीं नहीं लिखा। जब रियासत खत्म होगी तो फैसले सड़कों पर होंगे, बताया जाए कितने पर्चे काटे गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार, 18 मुकदमात में 179 लोगों को गिरफ्तार किया, रास्ते बंद होने से एक बच्चा वफात पा गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जवाब, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये सूरत धरने वालों के दिल में समा जाती तो उठ कर चले जाते। अदालत के रिमार्क्स। फैजाबाद धरने से मुतालिक एसआई की रिपोर्ट मुस्तरद। इससे अच्छी रिपोर्ट तो मीडिया बता दे रहे हैं। धरना कायदीन के कारोबार क्या है, उनके पीछे कौन है, क्या ये लोग बाहर से आ रहे हैं जो आईएसआई को मालूम नहीं? अगर कानून मसला है तो हमें बताएं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रिपोर्ट दोबारा मुरतब करने का हुक्म। वजारत दाखिला और वजारत दिफा की रिपोर्ट भी जमा। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब हुकूमत तमाम हालात से आगाह थी। जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स, फैजाबाद धरने पर समाज जुमेरात तक मुलतवी। इंटेलिजेंस के सीनियर अफसरान अदालत तलब, आइंदा समाज पर संजीदा इकदाम के साथ आएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। फैजाबाद में तहरीक लब्बैक का धरना जारी। सड़कें बंद होने से आवाम आज भी परेशान। कराची की नुमाइश चौरंगी पर भी धरना। हम जिहाद सियासत की सूरत में करते हैं, आईन में खराबियां दूर की जानी चाहिए। मादर पितर आजाद माशरे की इजाजत नहीं दे सकते। मौलाना फजल रहमान का मर्दान में उलमा कन्वेंशन से खिताब। डीआई खान में शहीद मेजर इसहाक की नमाज जनाजा कुछ देर बाद लाहौर के केलरी ग्राउंड में अदा की जाएगी। शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए सिंध असेंबली में दुआ। अफगानिस्तान में मनशियात की पैदावार पर पाकिस्तान को तहफ़ुज़ात। दहशतगर्द मनशियात से माली फायदा हासिल करते हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोयटा का दौरा। सदर्न कमान हेडक्वार्टर्स में इजलास की सदारत। आईएसटीआर के मुताबिक खुशहाल बलूचिस्तान मंसूबे का आगाज किया जा रहा है। कोर कमांडर लाहौर का जेहलूम फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज ने मशकों का जायजा लिया। आईएसपीआर के मुताबिक कोर कमांडर ने जवानों के अज्म और हौसले की तारीफ की। कराची के गुजर नाले ने एक और बच्चे की जान ले ली। गुज़श्ता रोज डूबने वाले 11 साल बच्चे की लाश निकाल ली गई। चारसद्दा में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। सुभान खोड़ के इलाके